अमरावती महामार्ग पर बढ़ती यातायात की समस्याओं के कारण जनता काफी मात्रा में त्रस्त है। उसी बीच दिनांक 12 जुलाई की दोपहर 11:30 बजे एक सब्जी विक्रेता के साथ सड़क दुर्घटना घटी, जिस मुद्दे को लेकर ईगल ग्रुप महाराष्ट्र राज्य के तत्वावधान से यातायात परिमंडल MIDC नागपुर इन्हें ज्ञापन सौंपा गया, जहां कार्यकर्ताओं ने यातायात संबंधी सुव्यवस्था की मांग की है। दरअसल कई दिनों से अमरावती रोड पर स्थित वर्धामना मार्ग पर बड़ी मात्रा में यातायात की समस्याओं के कारण जनता और राहगीरों के जीवन पर सवालिया निशान मौजूद हो रहा है। दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही है। उसी बीच 12 जुलाई को लगभग 11:30 बजे के बीच TCI पेम्पर के आगे वाले सर्विस रोड पर सब्जी विक्रेता के साथ सड़क दुर्घटना घटी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। इसी मामले को लेकर ईगल ग्रुप महाराष्ट्र राज्य द्वारा संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलेश नितनवरे और राष्ट्रीय सचिव दीपक मानकर के नेतृत्व में यातायात परिमंडल MIDC नागपुर इन्हें ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक यातायात प्रकोष्ठ द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते पुनः एक बार वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक यातायात प्रकोष्ठ तृप्ति सोनवानी को ज्ञापन सौंपा गया और उचित संज्ञान की मांग की गई, अन्यथा बड़ी मात्रा में आंदोलन का इशारा ईगल ग्रुप ने दिया है। वाहतूक प्रमंडळाला आम्ही जे निवेदन दिले होते 12 तारखेला, त्यावर अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नव्हती, त्यामुळे 8/17/2023 आजपर्यंत आम्ही वाहतूक परमंडळ MIDC शाखेला निवेदन दिले आहे। मॅडम बोलतात की त्यावेळेस आम्ही कुठल्या ट्रान्सपोर्टशी बोललेलो आहे, पण अजूनपर्यंत कुठलीही कारवाई झालेली नाही। पण आता मॅडम बोललेली की आज आम्ही ती कारवाई करून घेतोय आणि रोडवर अपघात झाला असल्यास या विषयावर बाबत आम्ही त्यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि पुढे असे अपघात होऊ नये म्हणून आम्ही मॅडमला विनंती केलेली आहे। ते बोललेले आहेत की आम्हाला तिथे ट्रान्सपोर्टला पण मीटिंग लावतो आणि त्यांना पार्किंगची व्यवस्था करायला सांगतो। NBCN न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ मनीष टेंभरे की रिपोर्ट।